आजम खान पर सर्वोच्च अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के खिलाफ एक के बाद एक दर्ज मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट से यूपी सरकार ने कहा कि आजम खान आदतन अपराधी हैं और उनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए। वहीं सपा नेता के वकील ने आरोप लगाया कि यूपी सरकार उनके मुवक्किल को राजनीतिक द्वेष का शिकार बना रही है। उच्चतम न्यायालय ने दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। आजम खान के खिलाफ दर्ज हुए हालिया FIR को लेकर यूपी सरकार ने बताया कि वर्ष 2020 में मामले में FIR दर्ज हुई थी और 2022 में आजम खान का नाम जोड़ा गया। इस पर कोर्ट ने पूछा कि इस मामले में आजम खान का नाम जोड़ने के लिए शिकायतकर्ता ने 2 साल का समय क्यों लगाया। वहीं आजम खान के वकील सिब्बल ने कहा ये FIR तब दर्ज हुई जब आजम जेल में थे। आजम खान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू ने कहा कि आजम खान का जब बयान दर्ज किया जा रहा था तब उन्होंने जांच अधिकारी को धमकी दी है। इस दौरान ASG ने आजम खान द्वारा अधिकारियों को दी गई धमकी कोर्ट रूम में पढ़ी। ASG ने कहा कि आजम खान ने धमकी देते हुए कहा था कि मैं अभी मरने वाला नहीं हूँ, मेरी सरकार आएगी तो एक एक का बदला लूंगा और तुम्हें भी इस जेल में आना होगा, मेरी सरकार आने दो, देखो क्या हाल करता हूँ, जिस SDM ने मेरे खिलाफ मुकदमा किया उसको छोड़ूंगा नहीं, मेरी सरकार आने दो। वहीं आजम के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि पहले 2 सालों से तो आजम जेल में ही बंद हैं, तो धमकाने की बात कहां आती है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वो आदतन अपराधी हैं और भू माफिया हैं। ये नया मामला फर्जी दस्तावेज से स्कूल को NOC दिलाने का है। इतना ही नहीं, इन पर केस दर्ज करने वाले अधिकारी को धमकाने का भी मामला है। आजम खान के कपिल सिब्बल ने कहा कि आजम खान वो उस स्कूल को नहीं चलाते हैं, वो बस उस स्कूल का चेयरमैन है। बस एक पत्र है जिसमें मेरी कस्टडी की मांग की गई है। पिछले हफ्ते मामले पर सुनवाई के दौरान कहा था कि आजम को जमानत मिलते ही नया केस दर्ज हो जाता है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि आजम खान आदतन अपराधी हैं, इन पर गंभीर मामले दर्ज हैं, उन्हें 3 मामलों में जमानत मिल चुकी है। मामलों की गंभीरता को देखते हुए आजम खान को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। फिलहाल आजम खान के जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट तय करेगा कि आजम खान को अंतरिम जमानत दी जाए या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।